ECAT मैथमेटिक्स F.Sc पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 जो के रिलेटेड है जी सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स से, जिसमें आज हम जिस टॉपिक को डिस्कवर करेंगे वो है सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ग्रुप्स, और देखेंगे कि हम ग्रुप्स के बारे में मज़ीद और क्या-क्या समझ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट MCQ की स्टेटमेंट इस तरह से है कि अ सेमी ग्रुप इज मोनोइड इफ। अब हमें पता होना चाहिए कि सेमी ग्रुप जो है, जब हम एक सेट को कहते हैं कि ये क्लोज्ड है अंडर बाइनरी ऑपरेशन फर्ज करें एडिशन में, ठीक है, तो वो होता है ग्रुपाइड। और ग्रुपाइड होने के बाद अगर अंडर एडिशन ही, जैसे मैंने कहा कि वो ग्रुपाइड हो, अंडर एडिशन ही उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे तो वो सेमी ग्रुप होता है। अब हम सेमी ग्रुप को मोनोइड कब कह सकते हैं? क्या जब इस पहला ऑप्शन ये कि इट हैज आइडेंटिटी, या दूसरा ऑप्शन ये कि इट इज क्लोज्ड, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि क्लोज्ड ऑलरेडी वो है, ठीक है। तीसरा है कि इट हैज इनवर्स प्रॉपर्टी, और डी ऑप्शन इट होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी सेमी ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होती है। तो मोनोइड के लिए हमने पढ़ा था कि फिर इसमें आइडेंटिटी जो एलिमेंट है वो होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जो बाइनरी ऑपरेशन हमने सेलेक्ट किया हुआ है। फर्ज करें अंडर एडिशन हम बात कर रहे हैं तो एडिशन होना चाहिए, जबकि अगर इनवर्स की प्रॉपर्टी अगर आ जाए तो सेमी ग्रुप से पहले, सेमी ग्रुप के बाद मोनोइड बनेगा, मोनोइड में अगर हम कहें कि इनवर्स प्रॉपर्टी आ जाए तो फिर वो ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो एक बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कि मोनोइड की डेफिनेशन को यहाँ पर हमसे पूछा गया था और जिसका हमने आंसर किया। नेक्स्ट MCQ हमारा जी, इसमें पूछा ये जा रहा है द सेट जिसमें के वन है, फिर माइनस वन है, आयोटा है, माइनस आयोटा है, इस ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो बिल्कुल बेस्ट होगा, क्या ये अंडर एडिशन ग्रुप है, क्या ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है, क्या अंडर डिवीजन ग्रुप है, या फिर अंडर सब्ट्रैक्शन ग्रुप है। तो देखें, अगर हम अंडर एडिशन की बात करें, ठीक है, तो हम इसी सेट के दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो एक ही एलिमेंट दो दफ़ा क्यों ना हो, ठीक है। हम देख रहे हैं कि अंडर एडिशन 1+1 2 होता है, जो कि इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। फर्ज करें इस सेट को मैं ए सेट कह देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए क्लोज्ड ही नहीं है। जब ये क्लोज ही नहीं, यानी ग्रुपाइड ही नहीं है, तो फिर ग्रुप कैसे हो सकता है? ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। बी ऑप्शन को देखते हैं, अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, हम अंडर मल्टीप्लीकेशन जो है एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर और इसको चेक करते हैं कि आया ये होल्ड करता है या नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे 1-1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है, और जबकि इस साइड पे हम लिखेंगे 1-1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर करके आंसर को इस बॉक्स के अंदर लिखते जाएंगे, ठीक है, जो उनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जवाब आएगा। देखें, 1-1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, ठीक है, और 1-1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा, और 1-1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा। यानी यहाँ बेसिकली जो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, मैं इसको काफ़ी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर हम डिवीजन में देखें तो डिवीजन में अगर हम 1 को आयोटा से डिवाइड करते हैं, या हम यूँ कहें कि आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, ठीक है, या हम यूँ बात कर लें कि जो आयोटा के चले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अंडर डिवीजन जो है उसका इन्वर्स क्या होगा, ठीक है, कि हम इसको डिवाइड करें और आंसर हमारा जो है वो 1 आ जाए, ठीक है। तो ये आयोटा ही हो सकता है कि अगर हम आयोटा को आयोटा से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 1 आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखें अंडर डिवीजन, क्या ये होल्ड करती है इनमें, ठीक है, यानी अगर मैं तीन एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे 1, इसको मैं डिवाइड करता हूँ -1 से और जो आंसर आता है उसको मैं आयोटा से डिवाइड करता हूँ, और दूसरी तरफ मैं यूँ करता हूँ कि मैं 1 को पहले नहीं डिवाइड करता बल्कि -1 को पहले आयोटा से डिवाइड करता हूँ, क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इनमें अंडर डिवीजन होल्ड करती है, ठीक है। अगर एसोसिएटिव ही इस पर होल्ड नहीं करता तो इसका मतलब ये तो सेमी ग्रुप ही नहीं होगा अंडर
डिवीजन, तो फिर ग्रुप कैसे हो सकता है। ठीक है, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, बी ऑप्शन पे हम बाद में इसको टेबल को कंप्लीट करेंगे। देखें इसमें 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 ये आ जाएगा, ठीक है, और 1 को अगर माइनस 1 से डिवाइड करें तो माइनस 1 आता है जवाब। इसका मतलब यहाँ पर माइनस 1 ओवर आयोटा हमारा जवाब आ रहा है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 ओवर आयोटा आ रहा है, ठीक है। और अगर अब जब ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन में तब्दील होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा ओवर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा जवाब माइनस आयोटा आ रहा है, ठीक है। और इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें कि आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ठीक है, तो ये माइनस आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, जो कि इस माइनस को कैंसिल कर देगा। यानी माइनस आयोटा प्लस आयोटा के बराबर आ रहा है, जो कि रॉन्ग है। इसका मतलब अंडर डिवीजन ये ग्रुप नहीं हो सकता, ये सेमी ग्रुप ही नहीं है, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ ही होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह अंडर अगर सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो माइनस वन यानी इस माइनस वन में से अगर वन को सब्ट्रैक्ट किया जाए, या मतलब वन में से माइनस वन को सब्ट्रैक्ट किया जाए, चले हम इस बात को यूँ समझते हैं कि अगर एसोसिएटिव लॉ की बात की जाए, अंडर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव लॉ की बात की जाए, क्या ये होल्ड करता है इसमें या नहीं, ठीक है। वन में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस वन को, ठीक है, और फिर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आयोटा को। और दूसरी तरफ हम यूँ करते हैं कि अगर वन की सब्ट्रैक्शन पहले नहीं होगी, माइनस वन को पहले हम सब्ट्रैक्ट कर लें आयोटा से, तो क्या ये एक जैसा जवाब आता है। देखें यहाँ पे वन माइनस इंटू माइनस प्लस वन हो जाएगा, मतलब वन प्लस वन टू, टू माइनस आयोटा जवाब आ रहा है, जबकि इस साइड पे क्या आ जाएगा अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस वन टू आएगा, लेकिन ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा। यानी इसमें भी लेफ्ट राइट साइड बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब कि डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन ही इसका बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अब हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि वाकई ऐसा है, तो इसमें अगर हम माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करें, देखें माइनस वन आएगा, फिर ये प्लस वन हो जाएगा, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा यहाँ माइनस आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, और आयोटा स्क्वायर माइनस वन और फिर माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा, यहाँ पे वन प्लस का आएगा और यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा। इसका मतलब कि इसमें अंडर जो हमने स्टेबल से ये चीज़ देख ली कि अंडर मल्टीप्लीकेशन हम ऑर्डर चेंज कर दें, ठीक है, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, उनका आंसर सेम रहता है, ठीक है, क्लोज्ड भी है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, ठीक है, और इसी तरह आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। यानी देखें वन को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करूँ तो वन आता है, इसका मतलब वन का जो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स है वो वन है, माइनस वन का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स माइनस वन है, चूँकि इससे वन आता है। आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स जो है वो माइनस आयोटा है, और माइनस आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स प्लस आयोटा है, जिससे मल्टीप्लाई करने से वन आता है। तो इस तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट भी है और इन्वर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये ग्रुप है, इसलिए बी ऑप्शन जो है हमारा वो बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनॉइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एक सेमी ग्रुप जब अंडर एडिशन ही की अगर हम बात करें, उसमें जो है आइडेंटिटी एलिमेंट यानी अंडर एडिशन जीरो जो है आइडेंटिटी एलिमेंट ये एग्जिस्ट करे उस सेट में, तो वो मोनॉइड होता है। अब हम जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं ये इनमें भी जो है वो जीरो शामिल होता है, ठीक है, यानी जीरो है, फिर इसमें प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू आता है, ठीक है, इसलिए ये तो मोनॉइड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखें जीरो शामिल है। होल नंबर्स में भी जो है वो जीरो वन टू थ्री जीरो से स्टार्ट होता है, इसमें भी इसका मतलब ये भी मोनॉइड हो सकता है, ठीक है। रियल नंबर्स में भी अगर आप देखें तो जीरो आता है, मतलब जीरो के अंदर शामिल होता है, और भी बहुत से नंबर हैं, ठीक है, ये तो रैशनल और इरेशनल नंबर की यूनियन है बेसिकली, ठीक है, इसलिए रैशनल नंबर में जीरो आता है, ठीक है जी। और नेचुरल नंबर को अगर आप देखें तो इसमें जीरो नहीं आता, मतलब ये वन से स्टार्ट होता है, वन टू थ्री एंड सो ऑन। इसका मतलब जो इसमें पूछा गया कि कौन सा मोनॉइड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फिर वो सी ऑप्शन होगा, जो कि यहाँ पर हमें नजर भी आ रहा है, इसमें जीरो नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप
अगर ए सेट जो आपको ये नजर आ रहा है अंडर एडिशन जो है ये अगर ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे बल्कि मैं प्लस का साइन शो कर देता हूँ, ये पॉजिटिव 3 है, ठीक है, ये अगर अंडर एडिशन अगर ग्रुप हो तो इसका ऑर्डर क्या है, मतलब ऑर्डर होता है कि ग्रुप के एलिमेंट्स की तादाद। अब चूंकि देखें इसमें जीरो से स्टार्ट तो हो रहा है, वन है, टू है, थ्री है और डॉट सो ऑन है, मतलब इसमें इनफिनाइट एलिमेंट्स, यानी इसका ये एक इनफिनाइट ग्रुप है, इसका ऑर्डर हम यहाँ पर नहीं बता सकते, ठीक है, यानी ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, इन थ्री भी नहीं है, इसका ऑर्डर एट भी नहीं है, यहाँ पर नन ऑफ दीज आएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को जो है वो मार्क कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी, इसकी स्टेटमेंट है टू ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप दे कोरस्पॉन्ड हाउ मेनी इनवर्स एलिमेंट्स। ऑप्शन ए है सिर्फ एक, ओनली वन, ऑप्शन बी है एटलीस्ट वन, सी ऑप्शन है मोर देन वन और डी ऑप्शन है टू। देखें अगर हम किसी सेट को कहते हैं कि ये ग्रुप है अंडर एडिशन, फर्ज करें जैसे वन माइनस वन आयोटा और माइनस आयोटा की हम एग्जांपल ले लें, तो अभी इससे पहले एक लास्ट एमसीक्यू में मैंने इसका एक टेबल बनाया था जो भी मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ जी। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ए सेट जो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये हमने शो किया था। अब इसमें जब हम इनवर्स की बात करते हैं तो देखिए वन का इनवर्स सिर्फ और सिर्फ वन है और किसी से भी मल्टीप्लाई करने के बाद वन जवाब नहीं आया। इसे अगर माइनस वन की बात की जाए तो इसका सिर्फ इनवर्स जो है वो माइनस वन ही है, इसको मैं एक ही कलर कर रहा हूँ जो आपस में इनवर्सिस हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम आयोटा को देखें तो आयोटा का जो इनवर्स था वो माइनस आयोटा था क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से वन जवाब आया, ठीक है। और अगर माइनस आयोटा की बात की जाए तो इसका जो इनवर्स था वो आयोटा था, देखिए वन जवाब आया हमारा, इसलिए हम कहेंगे सिर्फ एक होता है, ओनली वन, किसी भी ग्रुप के हवाले से बात की जाएगा, ठीक है। इन जनरल मैंने ये बात की, ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए कि आप इसको देख सकें, इन जनरल हम यही कहेंगे कि एक ही जो है वो इनवर्स एलिमेंट होता है, हर एक एलिमेंट के लिए एक इनवर्स होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मतलब इनमें से कौन सा वो सेट है जो ग्रुप नहीं है मल्टीप्लीकेशन में। देखिए मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई ग्रुप होगा तो क्लोज्ड होगा मल्टीप्लीकेशन में, एसोसिएटिव लॉ उसमें होल्ड करेगा मल्टीप्लीकेशन के अंडर और उसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा हर एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो है जो कि वन होती है वो इसमें पाई जाएगी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जेड जो है, जेड के अगर एलिमेंट्स को देखा जाए सेट ऑफ इंटीजर्स को, तो उसमें जीरो शामिल है, ठीक है, प्लस वन शामिल है, माइनस वन शामिल है, प्लस टू, माइनस टू, इस तरह सो ऑन। अब हम देख रहे हैं कि जब हम मल्टीप्लीकेशन में जीरो की बात करेंगे और जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जीरो को आखिर किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर वन आए, तो हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कि इनवर्स जो जीरो का है, इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो इस वजह से फिर हम कहेंगे कि ये ग्रुप नहीं है, जेड भी ग्रुप नहीं है। अब आर में भी जो है रियल नंबर्स में भी जीरो शामिल होता है, इसका मतलब ये भी ग्रुप नहीं होगा फिर, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर रैशनल नंबर की बात की जाए तो उसमें भी जीरो शामिल होता है, इसका मतलब वो भी ग्रुप नहीं होगा, इसका मतलब ये तीनों ही ग्रुप नहीं है अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को जो है वो मार्क कर देंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, इसकी स्टेटमेंट इस तरह से है कि इफ जी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, ये इसके अंदर चार एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये ग्रुप है, इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8, ठीक है, देन इनवर्स ऑफ 5 इज, ये मॉडुलो 8 का एक ग्रुप है, मतलब कि इसमें जो हमारे पास नंबर है वो जब हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि मल्टीप्लीकेशन में अंडर एक ग्रुप है, ठीक है, तो जो नंबर 8 से ग्रेटर होगा उसको हम 8 में डिवाइड करेंगे और जो उसमें रिमाइंडर बचेगा वो इस सेट के अंदर शामिल होगा। मतलब इस बात को मैं यूँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर फर्ज करिए मल्टीप्लीकेशन टेबल में बनाता हूँ इस ग्रुप के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसके एलिमेंट्स लिखता हूँ 1, 3, 5, 7 और इस साइड पे भी मैं इसके एलिमेंट लिखता हूँ 1, 3, 5,
एंड 7, ठीक है। अब आप देखेंगे 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, इसका मतलब 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1, ठीक है। 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, अब 9 हम नहीं इधर लिखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे 9 तो आया है आंसर, इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, और 8 के टेबल में देखते हैं 8 वन टाइम 8 होता है और इनका डिफरेंस 1 आ गया, इसलिए यहाँ पर जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हम 1 लिखेंगे। इसका मतलब 3 का जो इनवर्स है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, वो 3 है, ठीक है। इसी तरह जब 5 की बारी आएगी, अब देखें 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, ठीक है। हम 8 से डिवाइड करते हैं 15 को, 8 1 टाइम 8 होता है और 2 टाइम 16 जो कि 15 से बड़ा है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे, 7 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 3 भी 5 का इनवर्स नहीं हो सकता। अब 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। अब 25 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए, देखिए 8 3 टाइम होता है 24, और इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 1 आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हमें पता ये चला कि जो 5 है इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो फिर क्या होगा, वो 5 होगा, ठीक है। इसलिए 7 का 7 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो हम इसे मार्क कर देंगे कि 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस ग्रुप के अंदर वो 5 बनता है।